शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गर्भवती महिला को प्रसव के लिए बेड नहीं मिला। आपको बता दें कि तड़पते हुए महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। हाथ पैर जोड़ने के बाद भी नहीं मिला था गर्भवती को बेड। सीएमएस ने मामले पर दिया टालमटोल जवाब। अभी तक नहीं हुई है किसी पर भी कोई कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिर कब होगी लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई, एक बड़ा सवाल है। कन्नौज के जिला अस्पताल की है ये पूरी घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कन्नौज से दिलीप कुमार जुड़ चुके हैं। दिलीप, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। ये आपको बता दें, एक देर रात एक महिला जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर अस्पताल इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन महिला को बेड न मिल पाने के कारण जब उसको भर्ती नहीं किया गया तो महिला वहीं पर बैठ गई और उसको तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। उसके बाद फर्श पे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वहां पर काफी लोगों की भीड़ लग गई। आनंद फानंद में जब मीडिया पहुंची है तब कहीं जाकर उसको बेड मिल पाया है। जी देव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पर सीएमएस ने अभी तक क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है। इस तरीके के मामले जिला अस्पताल में अधिकतर देखे जाते हैं रोज ही। अभी हाल ही की बात है कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल ही की बात है कि रैन बसेरा बंद था, जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो जिला अस्पताल का जो रैन बसेरा बनाया गया था जहाँ लोग रुक सकते हैं सर्दी में, तो वो पूरी तरीके से बंद था। डीएन ने निरीक्षण करने के बाद जब जिला अस्पताल ने निरीक्षण किया तो वो भी बंद पाया गया। तो छोटी इस तरीके की घटनाएं जिला अस्पताल में आम हो गई हैं। तो जब सीमत से इस मामले में बात की गई तो सीमत का भी वही रटा रटाया जवाब देखने को मिला जो हर बार वो देते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए दिलीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर एक शमशान कर देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि एक महिला को प्रसव पीड़ा के नहीं मिला बेड। और इसी खबर पर सीएमएस ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। 12:30 बजे के लगभग महिला आई थी एक, तो गेट तो खुला हुआ था, गेट से आई तो वहाँ तक लिफ्ट तक पहुँचने के लिफ्ट की तरफ जा रही थी लेकिन लिफ्ट तक नहीं पहुँच पाई। वह वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में डिलीवर हो गई। तो फुल टर्म थी, वो फुल डायलिटेशन में थी, इतना समय उसको नहीं मिल पाया, थोड़ा लेट आई।